गाइस वेलकम बैक टू रिया अनलीश्ड। आज का जो वीडियो है ना वो बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स जो है या जो अपनी पॉकेट मनी से एक छोटा 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 करके अपना मेकअप किट बना रहे हैं है ना, उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आई एम अ पर्सन, सी मेरे पास जब मैं इनिशियली मेकअप वगैरह करती थी, मैं बहुत टाइम से मेकअप करती आ रही हूँ, तब मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं होती थी जो बहुत पॉकेट फ्रेंडली है लेकिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज मैंने ऐसी कुछ चीज़ें इंक्लूड की है जो बहुत एक्सट्रीमली अफोर्डेबल है और आपके मेकअप गेम को बिल्कुल चेंज कर देंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल डिले नहीं करना है, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अमेजिंग मॉइस्चराइजर से। तो ये है हिमालय का नरिशिंग स्किन क्रीम, लाइट एंड नॉन ग्रीसी, इंडियन कीनो ट्री, एलोवेरा और व्हाइट चेरी है इसमें। 50 ml इसकी क्वांटिटी है एंड गाइस इसकी जो MRP है वो है सिर्फ और सिर्फ 75 rupees। ये है कंटेनर, आप देख सकते हो, ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं यूज करके खाली कर चुकी हूँ इस बॉटल को एंड उसके बाद ही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अमेजिंग है, विंटर में अगर आपकी स्किन ड्राई है तब तक के लिए भी सुपर है ये। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ड्राई है तो शायद आपको यू नो 2-3 घंटे में इसको अप्लाई करना पड़े, बट दिस इज एन अमेजिंग अमेजिंग मॉइस्चराइजर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। Amazon में आपको ये सारी के सारी चीजें जो भी आज मेंशन करूंगी सारे के सारे मिल जाएंगे। सो ये है मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन। उसके बाद चली जाती हूँ मैं एक ऐसे कॉम्पैक्ट पर जो हम सब का, मतलब जो भी मेकअप करते हैं आजकल है ना, जिनको भी थोड़ा बहुत आइडिया है उनको तो ये पता ही है। सो एक ऐसा कॉम्पैक्ट है जिसे आप मॉइस्चराइजर के ऊपर भी लगा लो ना तो आपको डेली मेकअप के लिए भी इनफ हो जाता है। आपको फाउंडेशन अगर स्किप करना चाहो तो आराम से कर सकते हो, कंसीलर लगा लिया, नहीं लगा लिया वो भी ठीक ही है। ये है लैक्मे फिटमे का पाउडर, मैट प्लस पोरलेस पाउडर, अप टू 12 hour ऑयल कंट्रोल पाउडर दैट फिट स्किन टोन एंड टेक्सचर एंड या सन प्रोटेक्शन भी है इसमें, SPF 28 PA++। तो और आपको क्या चाहिए, दिन के टाइम जा रहे हो तो इसे लगा लो। सी गाइस अभी विंटर का सीजन है, अगर आप सोचते हो कि कॉम्पैक्ट स्किन ड्राई हो जाएगी तो ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉम्पैक्ट जो है ना आपके मेकअप को एक बहुत ही फ्लॉलेस सा फिनिश देता है एंड इसकी जो प्राइस है मैक्स 150-170 है, मैं नीचे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, नीचे लिंक होगा। अगर आपने एक बार भी इसे ट्राई नहीं किया है तो प्लीज ट्राई कीजिए, ये बहुत ही अमेजिंग अफोर्डेबल एक कॉम्पैक्ट है। उसके बाद बात कर लेती हूँ एक और अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में जिसे मैंने रिसेंटली परचेज किया है एंड दैट इज दिस हिमालया का लिप बाम। इसके MRP अराउंड 116 और समथिंग 120 ऐसा कुछ है। ये ना गाइस कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, और ये ना बिल्कुल भी कलर कुछ है नहीं इसमें, ये बिल्कुल ऐसा है, मतलब कोई भी कलर नहीं है, जो कि एक तरफ से देखा जाए तो अच्छा है। बहुत सारे लिप बाम में कलर होते हैं, टिंटेड होते हैं, अगर आपको टिंटेड लिप बाम पसंद है तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप जा सकते हो उसमें, बट दिस वन इज नॉट टिंटेड, कलर नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा सेफ है आपके लिप के लिए और कोई भी केमिकल ओरिएंटेड चीज नहीं डली होती है ज्यादातर अनकलर्ड लिप बाम में। सो इसका जो फ्लेवर है वो है लीची, बहुत अच्छा लिप बाम है एंड गाइज मेरी जो लिप है वो बहुत ज्यादा यू नो चैप्टर जाते हैं, आप लोगों को पता है, पर देखो अभी ठीक है, बहुत बेहतर हो गई है। मैंने बस एक ही दिन इसे यूज किया है और मुझे लगा आप लोगों को जरूर रिकमेंड करना चाहिए। विंटर है तो एक लिप बाम जो वो मस्ट हैव हो जाता है। नीचे लिंक होगा अगेन एंड दिस माय थर्ड रिकमेंडेशन। अगर आप अफोर्डेबल में कोई लिप बाम ढूंढ रहे हो और हिमालय जैसे एक ट्रस्टेड ब्रांड आपको मिल रहा है तो और क्या चाहिए। ओके, उसके बाद ना दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करना चाहूंगी। वन इज दिस आईब्रो रेजर, इससे मैं अपना फुल फेस जो है उसे भी रेज करती हूँ। वीडियो जो है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। सो इसके ना तीन का पैकेट आता है एंड ये आपको गब का भी मिल जाएगा और ये आपको ये वाला ट्विंकल या टिंकल ऐसा कुछ ब्रांड का मैंने लिया था, मैं दोनों के ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। गब का भी आपको 3 का पैक मिल जाता है और टिंकल का भी या ट्विंकल जो भी इसका नाम है इसका भी आपको 3 का पैक मिल जाता है। मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, अभी तक चल रहा है। इस तरह के फेस रेजर्स जो है बहुत काम आते हैं, स्पेशली तब जब आप या नो मतलब आप पार्लर प्रेफर नहीं करते हो आईब्रोज के लिए या अपर लिप के लिए, आप कंफर्टेबल हो, आप चाहते हो कि चेकआउट किया जाए। आजकल ज्यादातर हम लोग मतलब बहुत सारी लड़कियां जो है वो रेजर यूज करते हैं, मैं भी अपने आईब्रोज रेजर से ही करती हूँ, अपर लिप वगैरह सब कुछ रेजर से ही करती हूँ। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी जो डिलीवरी चार्ज है वो थोड़ी सी ज्यादा आपको पड़ सकती है अराउंड 70, पर ये 3 रेजर आपको 80 rupees के आसपास मिल जाते हैं अगर आप डिलीवरी चार्ज
पकड़ लो तो भी 150 रुपए में आपको 3 रिजल्ट मिलते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलता है। सो दिस इज माय 4th रिकमेंडेशन। अगर अभी तक आपने फेस शेविंग या फेस रेजर ट्राई नहीं किया है तो इससे आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा सेफ है, कटवट कुछ नहीं लगता है। सो दिस इज माई 4th रिकमेंडेशन। उसके बाद बात करना चाहूंगी इस लैश कलर के बारे में। अगेन ये गब का प्रोडक्ट है एंड यहाँ पे लिखा भी है गब, और मजे की बात ये है कि यहाँ पे आपको बहुत कंफर्टेबल सा इलास्टिक मिल जाता है, काइंड ऑफ रबर, जो हम बचपन में पेंसिल के साथ रेजर यूज करते थे उस तरह का कुछ आपको मिल जाता है। और ये रोज गोल्ड कलर में आता है, देख सकते हो कितना प्रिटी है ये, एंड बहुत ही सेफली आपके आईलैश को कर्ल करता है और बहुत अफोर्डेबल है। अगेन लिंक में आप चेकआउट कर सकते हो, इसका प्राइस बहुत बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। मैं पहली बार, मेरा फर्स्ट लैश कर्लर है, इससे पहले मेरे पास लैश कर्लर नहीं था। जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं थी जो आपके मेकअप गेम को चेंज कर सकता है, बहुत अफोर्डेबल है, पर मैंने कभी लिया ही नहीं। सो ये मैंने एक यूट्यूबर के रिकमेंडेशन पे लिया था एंड आई वॉन्ट टू रिकमेंड यू ऑल्सो बिकॉज दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट एंड माई 5th रिकमेंडेशन टू यू। उसके बाद एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में मुझे, मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ बात करती हूँ, विच इज़ दिस हिलारी रोडा आईब्रो ड्राइंग पैलेट। मैंने बहुत एक्सपेंसिव आईब्रो प्रोडक्ट नहीं ट्राई किया है, दैट्स ट्रू, लेकिन ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मैं शायद इन फ्यूचर कभी अब क्रीम आईब्रो प्रोडक्ट पर ना जाऊँ। मुझे पाउडर आईब्रो प्रोडक्ट इतना ज़्यादा सूटेबल लगता है कि मुझे लगता है कि अगर ये इतना अच्छा है तो अच्छे ब्रांड के तो और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। इसकी एमआरपी अराउंड 180 तक आपको मिल जाएगी और नीचे लिंक है, चेकआउट कर लेना। एंड हिलारी रोडा एक ऐसा ब्रांड है, ऑनेस्टली मैंने इन लोगों का आई शेडो पैलेट ट्राई किया है और ये वाला पैलेट ट्राई किया है, मुझे काफी अच्छा लगा है। मतलब बहुत बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा अच्छा भी है। मेरे पास इनका एक आई शेडो पैलेट है, जब कभी मैं आपके अपने आई शेडो पैलेट का कलेक्शन आप लोग के साथ शेयर करूंगी तब जरूर आपको दिखाऊंगी। सो दिस इज माई 6th रिकमेंडेशन। प्राइस के लिए लिंक चेकआउट कर लेना। उसके बाद एक अगेन एक आईब्रो प्रोडक्ट है, अगर आप पाउडर प्रोडक्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं है, क्रीम प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, तो ये मार्स का आईब्रो प्रिसिशन पेंसिल यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये निकलता है, ठीक है, कुछ इस तरह का दिखता है, सी इस तरह का पेंसिल जैसा दिखता है, एंड लाइट ब्राउन कलर है इसका, ठीक ठाक पिगमेंटेशन है। और सबसे यूजफुल बात यह है कि इतने अफोर्डेबल प्राइस में ये भी कुछ 120-130 का ही आता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, स्क्रीन पे देख लो आप। बट इसके साथ आपको एक बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का स्पूली मिलता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्पूली मिलता है, सी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्पूली है, ठीक है। तो अगर आपके पास पकड़ लो कि कोई आईब्रो पेंसिल ऑलरेडी है, स्पूली चाहिए, तो मैं बोलूंगी कि आप ये ले लो। इसके साथ आपको प्रोडक्ट भी मिल जाता है, स्पूली भी मिल जाता है, 2-in-1 प्रोडक्ट है बेसिकली, और बहुत सारे लोग पसंद भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मैं पर्सनली क्रीम प्रोडक्ट से ज्यादा पाउडर आईब्रो प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर कर रही हूँ, बट ऑनेस्टली मैं इसे भी यूज करती हूँ, उसे भी यूज करती हूँ। सो दिस इज ऑल्सो अ मस्ट हैव, स्पेशली फॉर टीनएजर्स हु इज डिस्कवरिंग you know how to fill up eyebrow, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। लिंक होगा तो देख लेना। ये लास्ट दो प्रोडक्ट है, एक है आंखों के लिए, एक है लिप्स के लिए। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, ये जो लाइनर मैंने अभी लगाया हुआ है, सी बहुत तरह के लाइनर्स आजकल मार्केट में आ गए हैं, बहुत अच्छे भी है, बट मैं अगर बजट में आप मुझसे पूछो तो मैं सबसे पहले आपको ये लैक्मे का इंस्टालाइनर ही बोलूंगी। श्रेया जैन तक भी इस लाइनर की बहुत बड़ी फैन है। ये लैक्मे का इंस्टालाइनर अगर कभी किसी ने यूज, और सबसे बड़ी बात है आपको ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है, तो क्लीन करने में बहुत आसानी हो जाती है, इतने दिन तक चल जाता है। इसका जो ये पोर्शन जो है बहुत मजे का है ना, इसका टिप देख लो आप, इसका ब्रश देख लो आप, बहुत अमेजिंग है। आई एम श्योर आप लोगों ने यूज किया ही होगा। अगर बीच में बंद कर दिया है और अफोर्डेबल में कुछ ढूंढ रहे हो तो मैं आपको बस याद दिला रही हूँ कि बहुत अफोर्डेबल है, 100 या 100 something का होगा। और आई लव दिस इंस्टालाइनर, एंड मैंने ना ऑनेस्टली गाइस इसके अलावा एक पेन आईलाइनर भी यूज कर चुकी हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगा था मुझे ब्रांड याद नहीं है, बट मुझे आईलाइनर का जब भी ऐसा लगता है कि लाइनर खरीदूं, मुझे लगता है नहीं यार, दिस इज आई एम हैप्पी, मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं। सो दिस इज माई 9th एंड 2nd लास्ट रिकमेंडेशन। उसके बाद
एक ऐसे लिपस्टिक का मैं जिक्र करना चाहूंगी आप लोगों के साथ, जिसके साथ मुझे यार लगा कि इतनी कम रेंज में पता नहीं क्या ही होगा, बट द ब्रांड इज ट्रस्टवर्थी, तो मैंने सोचा चलो ट्राई आउट कर लेती हूँ। जी हाँ, ये है बायोटिक का लिपस्टिक। यहाँ पे ऊपर ज्यादा कुछ लिखा, हाँ यहाँ पे लिखा है, आपको ब्रांड नेम मिल जाएगा। ये है मैजिक कलर लिपस्टिक बायोटिक नेचुरल मेकअप का, एंड ये जो शेड है दैट इज बॉन्ड गर्ल R604। 110-120 की MRP होती है आई होप, लेकिन आपको हमेशा डिस्काउंट पर मिल जाता है। एंड आई लव दिस शेड गाइस, स्वाच करके दिखाती हूँ आपको, बहुत ही मजे का शेड है, क्रीम की तरह मक्खन की तरह फिसलता है। एंड सी इस रेंज में जो है ना आपको, और ये ना ये बुलेट लिपस्टिक है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है बिकॉज विंटर के सीजन में मुझे बुलेट लिपस्टिक ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं, बिकॉज मेरी जो लिप्स है वो यू नो क्या बोलते हैं, लिक्विड लिपस्टिक से ड्राई फील होती है ज़्यादातर। अगर बहुत महंगी महंगा मतलब बहुत ज़्यादा महंगा ब्रांड अगर नहीं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे ड्राई फील होता है। तो ये बुलेट लिपस्टिक है, कितनी अच्छी क्वांटिटी है देख लो आप, खुशबू भी बहुत अच्छी है, कलर पे ऑफ भी बहुत अच्छा है। आई डोंट थिंक इट्स गन बी ट्रांसफर प्रूफ, थोड़ी देर में देखते हैं अगर ट्रांसफर होती है कि नहीं होती है, मुझे नहीं लगता ट्रांसफर प्रूफ है, लेकिन ये ना आपके लिप्स को बिल्कुल ड्राई नहीं करता, रेगुलर यूज के लिए अमेजिंग है। नीचे लिंक होगा, आप चेकआउट कर लेना। एंड अभी भी मैंने लिप्स पे लगाई हुई है, देखो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा कलर है। सो ये कुछ रिकमेंडेशन थे मेरे तरफ से अमेजोन की तरफ से, मैं अमेजोन से बहुत बहुत चीजें खरीदती रहती हूँ। सो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। एंड नो, दिस इज नॉट ट्रांसफर प्रूफ, हम इस बजट में क्या ही ट्रांसफर प्रूफ एक्सपेक्ट करें, बट आई रियली लव दिस कलर। मुझे मेबलिन का एक लिपस्टिक का रेंज आता था 200-250 में, वो रेंज बहुत अच्छा लगता था, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला जो आता था, ठीक है रेंज इसका, ये कौन सा रेंज था, ये था टच ऑफ स्पाइस कलर सेंसेशनल क्रीमी मैट्स। मुझे मेबलिन का ये रेंज बहुत पसंद था, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत क्यूट है, इसका कलर पे ऑफ अमेजिंग है, और क्या कलेक्शन है इनके कलर्स के। उसके बाद ये बायोटिक का भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज बहुत कम रेंज में आपको अमेजिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। सो या दिस इज माई लास्ट रिकमेंडेशन। सो इसमें से अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। इस तरह के Amazon मस्ट हैव्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, इससे पहले भी मैंने किया था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक डाल दूंगी, अगर इस तरह के वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो बताइए, मैं और भी अपने Amazon के जो फाइंड्स है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो को यही खत्म करती हूँ, आपसे मिलूंगी बहुत जल्द अपनी दूसरे किसी वीडियो में। बाय बाय।